गूगल सीट आज की हमारी टॉपिक है। मैं गूगल ड्राइव ओपन कर रहा हूं और यहां से मैं एक एक्सेल फाइल पे जाता हूं जहां पे हम बात करेंगे गूगल सीट के बारे में। गूगल सीट में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो डिस्कस कर लिए थे विजय जी, रिकॉर्डिंग की हाँ मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन दे देता हूँ, आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब कि एक पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे इसकी इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हमारे इस क्लासेस में। ओके, तो ओके जैसे कि सर। एक्सेल में आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, उसी तरह से आपका गूगल सीट में भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेट में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो पहले एक एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जहां पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने वाले हैं। और कंडीशनल की दो चीजें, सिंगल कलर और कलर स्केल, दो चीजें इसमें अवेलेबल है। तो कलर स्केल के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आते हैं सिंगल कलर पे। ये आपका अप्लाई रेंज हो गया जहां पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करने वाले हैं और यहाँ पे आपके रूल्स होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इज एम्प्टीज, नॉट एम्प्टीज, द टेक्स्ट कंटेन वगैरह वगैरह, आप इतने कंडीशन है। वन बाय वन सारे कंडीशन देखते हैं, जैसे कि इज एम्प्टी। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कलर लिया और मैंने यहाँ पे रेड कर दिया, मतलब कि जो ब्लैंक सेल होगा वो कलर हो जाएगा। ओके सर। तो जो ब्लैंक सेल होगा वो कलर हो जाएगा। उसके बाद इज नॉट एम्प्टी, ब्लैंक के अलावा जो होगा वो कलर हो जाएगा। अब याद आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे सिटी है, तो सिटी में हमारे पास दिल्ली है और यहाँ पे हमारे पास न्यू दिल्ली भी है। अब मैं यहाँ पे अगर इक्वल टू, यहाँ पे आपके सामने इज इक्वल टू दिख रहा है और इक्वल इक्वल टू भी मान लीजिए दिल्ली कर दिया, तो ये क्या होगा कि आपका राइट होगा, बट तो मीटिंग में इज यहां पे आपके पास इज इक्वल टू है। इसको इक्वल टू में अगर हमने आप कर दिया टेक्स, हाँ टेक्स स्टार्ट भी यहाँ पे टेक्स इक्वल टू नंबर में होता है, यहाँ पे एग्जैक्टली है। तो इसमें आपने एग्जैक्टली कर दिया, एग्जैक्टली में आपने दे दिया दिल्ली, तो आपका दिल्ली हाईलाइट हो गया। देखिए दिल्ली हाईलाइट हो गया बट न्यू हाँ सर नहीं हुआ है। तो एग्जैक्टली ना करके हम यहाँ पे करते हैं द टेक्स कंटेन। टेक्स कंटेन में क्या होता है कि वो दिल्ली हो या न्यू दिल्ली हो, दोनों को हाईलाइट कर देता है। मतलब कि जो वर्ड हम ढूंढ रहे हैं वो वर्ड इसमें कहीं भी रहेगा तो उसको हाईलाइट कर देगा। ओके सर। उसके बाद इसमें आपका डज नॉट कंटेन की दिल्ली के अलावा बाकी सबको हाईलाइट कर दे। स्टार्ट विद, अब जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा न्यू से स्टार्ट है वो हाईलाइट हो, राइट ना। या ओके सर, मैं चाहता हूं कि जिससे दिल्ली एंड है वो हमारा ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मेटिंग नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेट पे, आपके पास डेट है तो डेट पे आप कर सकते हैं टुडे, टुमारो, लास्ट डेट, स्टरडे, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये आपके डेट्स दिख रहे हैं। या फिर कोई एग्जैक्ट डेट, तो एग्जैक्ट डेट यहाँ आप डाल सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर डेट को आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। ओके ओके सर। उसके बाद अगर डेट के बाद जो है तो डेट इज बिफोर, मतलब कि इस डेट से पहले की डेट, ठीक है ना। ओके टुडे, मैं टुडे की डेट या कोई एग्जैक्ट डेट डाल दीजिए कोई, ठीक है ना। आज से पहले की हाईलाइट करना चाहते हैं या कल के पहले की हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इस डेट बिफोर या एट डेट विच आफ्टर। ओके सर। ओके सर, लेकिन मुझे नंबर पे देना है कि कुछ नंबर से बड़ा छोटा, तो डेट के जगह पे मैं यहाँ पे जो है दे सकता हूँ ग्रेटर देन, कि किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, जैसे 50 से ऊपर होगा तो हाईलाइट हो जाएगा।
और कलर हम यहाँ से ओके कलर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इज ग्रेटर देन 50 से ऊपर हाईलाइट कर देगा, ऐसे ही आपका इज ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद ऐसे ही आपका लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू बिटवीन एंड नॉट बिटवीन। तो यहां से इस तरह से फॉर्मेटिंग में अपने कलर्स दे सकते हैं। ओके सर, ठीक है सर, कोई डाउट इसमें? विजय जी, विजय जी आवाज आ रही मेरी आपको? हेलो, हाँ सर, वो नेट नेट बंद हो गया था इसलिए। तो ये समझ में आ गया आपको कंडीशन वर्डिंग के सिंगल कलर में जो रूल्स है? हाँ सर। उसके बाद इसमें इसकी कंडीशंस है जिसमें आपको कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट कलर दे सकते हैं, उसके तो दिखाई नहीं दे रहा था। ये सारे फॉर्मेटिंग आप इसकी कर सकते हैं। उसके एक कद मिला सर, नहीं करेंगे केबल जब तक से भी आपका कनेक्ट कर लेगा अपलाइन नहीं होगा। ठीक है सर, तो सर मैं केबल से नेट कनेक्ट कर देता हूँ, एक कद मिनट सर। क्या वो नेट केबल से कनेक्ट कर देता, वो जियो का जो है ना वो वाईफाई ठीक है ठीक। तो वो है इसलिए। हेलो, हेलो, हाँ सर आप किस, हाँ हाँ सर वो अब कंप्लीट हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गई आपको? हाँ सर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक बार दोबारा मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे सिंपल सा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए और यहाँ पे अब अपने रूल्स को सिलेक्ट कीजिए। रूल्स की डिटेल्स मान लीजिए आपने सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि लेस देन, और आप डाल दीजिए कि लेस देन 50 हाईलाइट। हेलो 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 सर, 5 से 10 में आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है सर, इस क्लास का खत्म होके स्टार्ट होती है अभी क्लास। ठीक है सर। तो यहाँ अपने नंबर्स को दे सकते हैं और यहाँ पे अपने कलर्स दे सकते हैं। आप कंडीशन के ऊपर अब बात करते हैं, कलर करता है, एक बात करते हैं स्केल के ऊपर। तो ये आपका स्केल होता है, स्केल मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, कि मिनिमम वैल्यू को एक कलर देगा और आपका मैक्सिमम वैल्यू को ए इस कलर से व्हाइट कलर देगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, मिनिमम आपका रेड हो जाए और मैक्सिमम आपका ग्रीन हो जाए, और जो बीच का है उसको आप येलो करना चाहते हो, नन के जगह पे मिड पॉइंट को यहाँ पे परसेंटेज कर देते हैं 50%, और इसको मान लीजिए येलो कर देते हैं। तो तीन कलर हो गए भाई, जो ग्रीन है मतलब हाईएस्ट है, जो रेड है लोवेस्ट है, और जो आपका येलो है वो क्या है आपका 50% का मिड है। तो इस तरह की चीजें भी अपने रिपोर्ट्स में आप यूज कर सकते। ओके सर, ठीक है। और एक ये सारे कंडीशंस भी आप इसमें लगा सकते हो, एक जैसे आपने एक लगा दिया और अनदर रूल्स भी कर सकते हो इसमें आप, या कोई कंडीशन वर्डिंग को डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे इसमें एक करना है कि एग्जैक्ट 50 हो, उस पे कुछ और कलर देना है, तो आप यहाँ पे वो कलर यूज कर सकते हो। मतलब कि एक पे आप एक एरिया पे आप एक से ज्यादा कलर को यूज कर सकते हो। सकते हैं, ठीक है, ओके सर, ओके सर, क्लियर है, ओके सर। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग समझ में आ गया? हाँ सर। तो इसमें हमने आपके साथ कंडीशन फॉर्मेटिंग का सारा जो है हमने डिस्कस कर चुके हैं। ओके, क्लियर फॉर्मेटिंग जो ओके सर वो क्लियर कर सकते हैं। ओके ओके,
अब अगला टॉपिक ओके सर। डेटा मेनू बार का है, जो कि हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। डेटा मेनू बार में हम आपको पहले पिवट टेबल से स्टार्ट करें, फिल्टर से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर आपको इसमें बाकी जो पिवट टेबल्स, डेटा एवेल्यूएशन, सारे चीज हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कल आपके पास मॉर्निंग में टाइम है।